आज अपने इस वीडियो में आरआईए या फिर अपने कह सकते हैं रेडियो इम्यूनो एसे किसे कहते हैं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, उसके बाद में नोट्स की रीडिंग करेंगे। देखिए, सपोज दैट ये एक ह्यूमन है और इस ह्यूमन को एक रोग है टीबी। अब यहाँ पे जो डिजीज़ है या फिर अपने कह सकते हैं रोग है, वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इस ह्यूमन को टीबी का रोग है, लेकिन अपने को पता नहीं चल रहा इसके लक्षणों से कि इसे टीबी का रोग है या नहीं। इसके लिए अपने क्या करेंगे, अपने चेक करेंगे कि इसमें टीबी के एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। इसके लिए जो मेथड प्रेजेंट होता है उसे अपने कहते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। ये मेथड कैसे होता है और कैसे काम करता है अपने इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अपने को जिस भी ह्यूमन के अंदर चेक करना है कि इसके अंदर टीबी के एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, उसका अपने सीरम ले लेंगे। सीरम क्या होता है, सीरम होता है देखिए, अपने जब ब्लड के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को रिमूव कर देते हैं और जो पार्ट बचता है उसे कहते हैं सीरम। सीरम के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अपनों ने ह्यूमन का सीरम ले लिया। सीरम के अलावा अपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंटीजन लेंगे। ये एंटीजन अलग है, लेकिन ये एंटीजन है किसका, टीबी का ही एंटीजन है। इस एंटीजन को अपने क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव बनाएंगे। रेडियो एक्टिव जब ये बन जाएगा तब तो अपने इसे क्या करेंगे, इसे एंटीबॉडी के साथ मिक्स कर देंगे। रेडियो एक्टिव एंटीजन को अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ मिक्स कर देंगे। ये एंटीबॉडी किसकी है, ये टीबी के रोग की एंटीबॉडी है और इसके साथ अपने मिक्स कर दिया। इसे मिक्स करने के बाद में अपने जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उसे अपने सीरम के साथ मिला देंगे। और मिलाने के बाद में क्या होगा कि अगर सीरम में अगर टीबी के एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एंटीबॉडी से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जो रेडियो एक्टिव जो एंटीजन है उन्हें रिमूव करते जाएंगे। फिर जो जो रेडियो एक्टिव एंटीजन होंगे वो तो अलग हो जाएंगे, और अगर इस सीरम में टीबी के एंटीजन प्रेजेंट हुए तो वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी से जुड़ जाएंगे। और एंटीबॉडी से जुड़ने के बाद में क्या होगा कि अपने इसका मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट कैसे करेंगे, गामा ग्रेडियंट के द्वारा अपने एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको अपने क्या करेंगे, रेडियो गामा ग्रेडियंट के द्वारा अपने इसको मेजर कर लेंगे कि इस जो कॉम्प्लेक्स के अंदर टीबी के एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। और अपने बात करें जो रेडियो एक्टिव एंटीजन होंगे वो अलग हो जाएंगे। यही मैंने इसके मेथड में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ से वीडियो चेक कर सकते हैं।